हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे BRE और BRI के बीच में जो अगला T10 का मैच होगा। देखो, ये मैच बहुत बेहतरीन मैच रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि दोनों ही टीम अगर आप देखोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक देते हुए आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों अगला T10 सीरीज का जो ये मैच होने वाला है, इसका पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, बैटिंग ऑर्डर के साथ क्या रहेगा, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए बेस्ट इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच करना, वीडियो को लाइक से स्टार्ट करना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। भाई, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का आपको इसी प्रकार वीडियो और इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। इस मैच का फाइनल टीम के लिए एक बार हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पे 30,000 से अधिक मेंबर ने ज्वाइन कर लिया दोस्तों। बिल्कुल फ्री ग्रुप है और आपके हेल्प करने के लिए बनाया गया है। लाइनअप के बाद आपको हमारे फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में। बिल्कुल फ्री ग्रुप है, एक बार जरूर ज्वाइन कर लें। ये जो मैच है कोटमा वाले स्पेन में, ये मुकाबला होगा, जैसे कि सारे मैचेस इसी ग्राउंड पे हो रहे हैं और ये एक बैलेंस पिच है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा बल्लेबाजों के देखोगे एक्स्ट्रा सपोर्ट देखने को मिला है। BRE की टीम ने 8 मैच खेला अभी तक इस टूर्नामेंट के, जहाँ पे 5 मैचेस में विन कर चुका है, 3 मैच लॉस किया है। वहीं BRI की बात करते हैं तो 8 मैच में 6 मैचेस विन करा है, 2 मैच लॉस करते हुए आए हैं। मतलब दोनों ही टीम अगर आप देखोगे ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा इस मैच के अंदर, काफ़ी यहाँ बराबरी का ये मुकाबला देखने को मिलेगा। बाकी इमाद खान जो कि टीम के ओपन करते हैं पूरे सीरीज में, 73 रन बनाए इन्होंने, ओपनर बल्लेबाज है, इनको अपने टीम में ले सकते हैं जो टीम के टॉप ऑर्डर पे खेलेंगे। सेम अगर आप देखो कि यासिर दुल्लू जो कि टीम के, ये भी ओपन करते हैं, विकेट कीपिंग में नजर आएंगे, पूरे सीरीज में 160 रन बना चुके हैं, ये भी टीम के बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है, इनको ट्राई जरूर करना। बाबर हुसैन फर्स्ट राउंड पर खेलते हुए 238 रन स्कोर कराया दोस्तों, और एक अच्छे बल्लेबाजी कराया, देख सकते एक मैच में इन्होंने सेंचुरी भी लगाया था। फर्स्ट राउंड का बल्लेबाज अच्छे फॉर्म पर चल रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। बासर खान जो कि पहले मैच फ्लॉप, दूसरे मैच 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर लास्ट मैच फ्लॉप रहा है, ये भी दोस्तों लास्ट के कुछ मैच में काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। और ऐशान अकबर की बात करेंगे दोस्तों, पहले मैच में फ्लॉप, लगातार फ्लॉप रहा है पूरे सीरीज में, मात्र 74 रन बनाया थर्ड डाउन पे बल्लेबाजी करते हुए, इनको ड्रॉप कर सकते हैं। बशरत अली जो कि पूरे सीरीज में 10 विकेट निकाले, ये टीम की मेन गेंदबाज है, नवीद चौधरी को ड्रॉप करेंगे। शादन खान की बात करते हैं तो पूरे सीरीज में 86 रन बना के 6 विकेट निकाल चुका है। इमरान नवीद जो कि यहाँ पे पूरे सीरीज में 4 विकेट निकाले दोस्तों। महमूदुल्ला साफी की बात करेंगे तो 4 विकेट इनको भी मिला है। शजाद जो कि 3 विकेट निकाले हैं दोस्तों। बाकी यहाँ पे जैब मोहम्मद की बात करते हैं, 1 विकेट, 3 विकेट, फिर 1 विकेट, 3 मैच खेला अभी तक 5 विकेट निकाल चुके हैं। अली राजा इस्लाम की बात करेंगे तो 162 रन बना के 6 विकेट निकाले, ये भी एक बहुत बढ़िया प्लेयर है जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं, तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी इनके बारे में सोच सकते हैं। तो ये दोस्तों BRE का रिकॉर्ड है जो आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम बैटिंग ऑर्डर आपको इस मैच के अंदर भी देखने को मिलेगा। अब आपको इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है अपने टीम में आप ले सकते हो। बाकी BRI की बात करेंगे तो यहाँ पर एंड्रे ब्रेटन खेलते हुए नजर आएंगे, जो टीम के कैप्टन है, पूरे सीरीज में 100 रन बना के 6 विकेट निकाल चुके हैं, पूरे 2 ओवर तक गेंदबाजी भी करते हुए दिखेंगे, फर्स्ट रन का बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे, कैप्टन भी है, तो जरूर पिक करना है इनको। नवीद वार की बात करेंगे दोस्तों, पूरे सीरीज में 37 रन बना के 12 विकेट निकाल चुके हैं, मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज प्लस 2 ओवर गेंदबाजी भी करते हुए दिखेंगे, जरूर पिक करना। इतफ़ार हुसैन की बात करेंगे तो पूरे सीरीज में 84 रन बना के 12 विकेट निकाल चुके हैं, सेकेंड राउंड में बल्लेबाजी के साथ साथ 2 ओवर गेंदबाजी भी करते हुए दिखेंगे, जरूर पिक करना इनको। बाकी ग्रैमी की बात करेंगे, पूरे सीरीज में 207 रन बना के 2 विकेट निकाले दोस्तों, ये टीम के ओपन करते हुए दिखेंगे, बहुत बढ़िया प्लेयर है, इनको जरूर पिक करना। एडम की बात करेंगे, ये भी ओपन कर रहे हैं पूरे सीरीज में, 150 रन बना चुके हैं अभी तक। रियान बार की बात करेंगे तो 8 विकेट इनको भी मिला है दोस्तों। डेविड जो कि ये फ्लॉप रहा है, इनको ड्रॉप कर सकते हैं, इनको भी, निक को भी ड्रॉप करते हुए चलो रियान को ले सकते हैं, जो कि पूरे सीरीज में 86 रन बना के 8 विकेट निकाल चुका है। रियान एमसी बैर जो कि बहुत बढ़िया प्लेयर है, थोड़ा लेट बैटिंग करेंगे लेकिन आपको कन्फर्म 2 ओवर तक गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, बाकी इन दोनों को ड्रॉप करते हुए चलो। तो ये बैटिंग ऑर्डर है दोनों ही टीमों का जो आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम बैटिंग ऑर्डर आपको इस मैच के अंदर भी देखने को मिलेगा। भाइयों, इसमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है अपने टीम में आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, अपने टीम को बेहतर से बेहतर बना सकते हो। बाकी मैंने आपके लिए एक टीम बना के रखा है बिफोर लाइनअप, जिसमें से अगर आप देखेंगे यहाँ पे वाई नवाज को मैं टीम में ट्राई करूंगा जो टीम के टॉप ऑर्डर पे खेलेंगे। बैटिंग में अगर आप देखेंगे 3 बैट्समैन को मैंने ले रखा है, जो यहाँ पे 2 बैट्समैन एक ही टीम से मैंने ले रखा है जो कि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे फॉर्म पर नजर आ रहे हैं। AMC डेट को अपनी टीम में ट्राई करूंगा। ऑलराउंडर में अगर आप देखेंगे तो कैप्टनसी के लिए एराजा राय हुसैन को वाइस कैप्टनसी के लिए मैं ट्राई करूंगा दोस्तों। यहाँ पे चारों जो खिलाड़ी है आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स देने वाले हैं, मैंने आपको जस्ट ऊपर आपको रिकॉर्ड बताया है। बाकी बॉलिंग में अगर आप देखेंगे 3 बॉलर को मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ, जो कंप्लीट 2 ओवर तक गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, और तीनों के तीनों टीम के मेन गेंदबाज है। तो ये जो टीम है अभी आप लोग सेव कर लो और लाइनअप का वेट करना भाइयों। इस मैच का फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसने ज्वाइन नहीं कराया जल्दी से कर लो। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में। बाकी मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।